नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी है दीपक पारवानी की। मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं और इनकी चाहत बचपन से थी एनडीए में जाने का, और इन्होंने इसके लिए पूर्णतः प्रयास भी किया। इनके पिता को जब गोली लगी थी, क्योंकि वो भी एक आर्मी ऑफिसर थे, तो उस वक्त इनकी उम्र केवल 6-7 वर्ष की थी। आतंकवादियों की तरफ से उनके पिता को गोली लगी थी और तब से ही इनके मन में ये ख्याल आया था कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँगा। फिर इन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई जो थोड़ी सी कंप्लीट हुई, उसके बाद से ही इन्होंने लगातार तैयारियां शुरू कर दी। लगातार एग्ज़ाम देते रहे, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाए। सेकंड अटैम्प्ट 2002 में इन्होंने क्वालिफाई किया एनडीए का एग्ज़ाम, और उस वक्त ये इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में थे। लेकिन फिर भी इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर, थर्ड सेमेस्टर में ही इस इंजीनियरिंग को छोड़कर आगे एनडीए की ट्रेनिंग में जाने का फैसला किया। ट्रेनिंग में गए भी, लगातार ट्रेनिंग भी की, और काफ़ी हद तक इन्होंने सब कुछ सही से किया, लेकिन बार बार चोटिल होते रहे। एक बार इन्हें कंधे में चोट लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को संभाला, ठीक हुए। फिर इन्हें पैरों में चोट लगा, फिर भी ठीक हुए, लेकिन बाद में इतने चोटिल हो गए कि इन्हें आर्मी के लिए फिट नहीं माना गया, अनफिट माना गया, और इन्हें हटा दिया गया। तो 2003 में जब इन्हें हटा दिया गया, तब इन्होंने सोचा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना पढ़ाई है, ना जॉब की कोई भी चीज़ें हैं, ना कोई डिग्री है। यह सब कुछ था, क्योंकि एनडीए की तरफ से इन्हें ना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल पाया और ना ही कुछ और। फिर इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। बहुत डिप्रेसिव रहे और रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा। ट्रीटमेंट के बाद इनके पिता ने इनको सहारा दिया, इनको संभाला, और सब कुछ इनकी फैमिली ने किया, क्योंकि आफ्टर ऑल फैमिली मैटर्स, फैमिली ही सब कुछ ठीक करती है, और यह सब हम जानते हैं, प्रैक्टिकली भी चीज़ें देखते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है, लेकिन फैमिली फर्स्ट। इनको समझाया, बुझाया, उसके बाद वापस से इंजीनियरिंग करने को भेजा। लेकिन जब तक एक जाते, इनके साथ के बच्चे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में जा चुके थे और ये अभी थर्ड सेमेस्टर ही थे। लाखों ताने सुनने को मिले, सभी लोगों ने इन्हें काफ़ी कुछ कहा, इसलिए कहा कि इसी में कोई कमी होगी इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी सारे चीज़ें बहाना है। तो इन्होंने उस वक्त एक प्रण ले लिया, जिसको मेरी बातें माननी है वो माने, जिसको नहीं माननी है वो नहीं माने। फिर क्या था, जब प्लेसमेंट की बारी आई तो कोई भी कंपनी इन्हें शॉर्टलिस्ट ही नहीं करती थी, इनकी सीवी को शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया जाता था। वजह थी कि इन्होंने काफ़ी वक्त लिया इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने में, लेकिन सबको लगता था कि ये सेमेस्टर फेल कर रहे होंगे, इसीलिए इतना वक्त लगा इनको। और ये चाहते थे कि इनकी कहानी एक उन कंपनियों को सुनाए, लेकिन जब कंपनी शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगी, सीवी ही नहीं शॉर्टलिस्ट करेगी, तो इंटरव्यू राउंड में ये जाएंगे भी नहीं, और इसके बाद किसी की कहानी, इनकी कहानी कोई सुनेगा भी नहीं। फिर TCS कंपनी आई, TCS कंपनी ने इन्हें शॉर्टलिस्ट किया और इनकी कहानी सुनी। इनकी कहानी सुनने के बाद इन्हें सेलेक्ट कर लिया और ये जॉब करते रहे। जॉब करने के बाद इन्होंने सिम्बायोसिस पुणे से अपना MBA कंप्लीट किया, और फिलहाल अभी हम बात करते हैं तो ये एक ऑलरेडी कंपनी में 5 सालों से जॉब कर रहे हैं और आगे बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे हैं कि ये इतने नीचे गिरे, मतलब उपलब्धियों की बात करती हूँ तो पहले एनडीए में गए, आर्मी के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, अनफिट करार दिए गए, डिप्रेशन में गए, फैमिली ने सपोर्ट किया, फिर से इंजीनियरिंग किया, फिर जॉब किया, लाखों डी सिलेक्शन के बाद इन्होंने जॉब ऑप्ट किया, मतलब कई बार इन्हें रिजेक्ट किया गया फिर। तो ये वाकई मैं कहूँ तो काफ़ी इंस्पिरेशनल कहानी थी। तो ये कहानी थी उनकी। फ़िलहाल इस कहानी में इतना ही, और भी कहानियों के लिए आप हर वक्त इस रोज़ हर वक्त इसी टाइम पर हमसे मिल सकते हैं।